आर्म्स की तस्करी करते हैं और कहीं से आर्म्स खरीद के ला रहे हैं। बहुत ही बड़ी उपलब्धि और बहुत ही अच्छा काम करा इन लोगों ने, तो इसमें हम जिला स्तर से जो रिवार्ड होगा सो होगा ही, इनको हेडक्वार्टर लेवल पर भी रिवार्ड के लिए अनुशंसा भेजेंगे। अस्पताल डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे, हाईटेक सुविधा से लैस, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा। सीवान में बड़ा आर्म सप्लाई 9 पिस्टल एवं 2 दर्जन गोलियों के साथ गिरफ्तार। घटना के संबंध में बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र पथ पी देवी चौराहा के पास नगर थाना पुलिस संध्या वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी तरवार बाजार के तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आ रहे थे, जो पुलिस को देखते ही भागने लगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हैं उन दोनों मोटरसाइकिल सवार को दौड़ा कर पकड़ा, जिनकी तलाशी ली गई तो सब देखकर हैरान रह गए। आपको बता दें कि पकड़े दोनों व्यक्ति यो के पास से 9 पिस्टल और करीब 2 दर्जन जिंदा गोलियां बरामद हुई, जिसको पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। दोनों पकड़े गए आर्म्स सप्लाई की पहचान हुसैनगंज थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी आलमगीर मियां का पुत्र शेख नबीबुल्ला एवं दूसरा आर्म्स सप्लाई देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के सकरापाल गांव निवासी उदयभान यादव का पुत्र राम प्रवेश यादव उर्फ पहलवान बताया जाता है। दोनों आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल जा चुके हैं। वहीं इन दोनों से एसटीएफ की टीम ने भी पूछताछ की है, जिसमें पुलिस को बहुत सा सुराग भी मिला है, जिस पर आगे की कार्यवाही पुलिस कर रही है। वहीं सीवान एसपी ने बताया कि इस कार्य के लिए पुलिस को पुरस्कृत किया जाएगा। वहां जांच अभियान चलाया गया था संध्या में, उसी क्रम में शहर में पी देवी मोड़ के पास से हमारे टाउन थाना प्रभारी सुदर्शन राम खुद ही चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के क्रम में 2 व्यक्ति को अलग अलग 2 मोटरसाइकिल पर गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कुल 9 देसी पिस्टल, 23 गोली और दोनों मोटरसाइकिल जिसका उन्होंने अभी तक कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया है, 3 मोबाइल और उनके पास से 2250 रुपया नगद बरामद किया गया है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए उनका नाम है शेख नजीबुल्ला, ये तेतरिया थाना हुसैनगंज के रहने वाले हैं, और दूसरे हैं राम प्रवेश यादव उर्फ पहलवान, जो सकरा पाला थाना लार जिला देवरिया के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से कुल 9 पिस्टल और 23 गोली बरामद हुआ है, और जैसा कि इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ पर बताया है कि इनकी तस्करी करते हैं और कहीं से आर्म्स खरीद के ला रहे हैं, खरीदते हैं उससे दुगने दाम में, जगह जैसा उन पर डिमांड ये लोग अपराधकर्मियों के भेजते हैं, तो उसी क्रम में लोग ला रहे थे, और कल पुलिस के द्वारा इनको जाँच के क्रम में इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो इनसे बहुत सारी सूचना प्राप्त हुई है, पुलिस को अभी जांच चल रही है और उन पर पूछताछ भी की जा रही है। बहुत सारी सूचना प्राप्त हुई है कि कहां से स्रोत है और कहां जाना था, इस सारे बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान कर रही है, और यह पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इससे इतने बड़े बरामदगी के बाद बहुत सारा इस पर अपराध नियंत्रण पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो पहले से भी जेल जा चुके हैं? हाँ, दोनों का पहले से आपराधिक इतिहास है। शेख नबीबुल्ला भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुके हैं, और राम प्रवेश यादव ने स्वीकार किया है कि ये उत्तर प्रदेश के कई कांडों में जेल जा चुके हैं, तो उनका संबंधित जिला से क्रिमिनल हिस्ट्री प्राप्त किया जा रहा है और उसकी भी जांच की जा रही है। ये सर किसी गिरोह के हैं? ये लोग अवैध तस्कर हैं, और बहुत सारी सूचनाएं दी हैं जिस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है और उसका सत्यापन पुलिस कर रही है। एसटीएफ भी पूछताछ की? इस संबंध में हमारे यहाँ एसटीएफ में एक आर्म सेल गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि जिले राज्य में कहीं भी अगर आर्म्स की बरामदगी होती है तो उसका गहन से पूछताछ किया जाए, और स्रोत से लेकर इंड पॉइंट तक जहाँ ये लोग सेल करेंगे उसकी पूरी जांच पड़ताल हो। तो इस क्रम में हम लोगों ने एसटीएफ को भी सूचित किया था, तो एसटीएफ भी आकर इनसे पूछताछ की है, और जो भी सूचना मिला है उस पर पुलिस पूरी संगठित तरफ से बहुत ही बड़ी उपलब्धि और बहुत ही अच्छा काम करा इन लोगों ने, तो इसमें हम जिला स्तर से जो रिवार्ड होगा सो होगा ही, इनको हेडक्वार्टर लेवल पर रिवार्ड के लिए अनुशंसा भेजेंगे।